आज की जो एक्सरसाइज है वह है टू पॉइंट तीन क्लास दस और क्वेश्चन है थ्री एक्स पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस के फाइव यह दिया है और इसके दो शून्य के दिए मान लेंगे जो भी दिया है एक्स बराबर रूट पाँच बटे तीन दूसरा है एक्स बराबर माइनस के रूट पाँच बटे तीन इसे क्या करेंगे हम यह प्लस का इधर जा करके माइनस का रूट पाँच बटे तीन बराबर जीरो माइनस का इधर आके प्लस का रूट पाँच बट तीन बराबर जीरो अब क्या करते हैं जो दो इक्वेशन आए ये दोनों अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स माइनस रूट पाँच बट तीन एक्स प्लस रूट पाँच बट तीन बराबर जीरो ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट पाँच बटे तीन का होल स्क्वायर बराबर जीरो आ गए यहाँ पे अब क्या करते हैं रूट से दो से रूट खत्म एक्स स्क्वायर माइनस के पाँच बटे तीन बराबर ज़ीरो अब ये क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ये जो दिया है इसके दो शून्य पहले से दिए अन्य शून्य ज्ञात करने हैं तो पहले तो इनकी मल्टीप्लिकेशन शून्य को इधर लाएंगे फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे या गया अब इससे इसको डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव बाई थ्री ये क्या है थ्री एक्स की पावर फोर प्लस के सिक्स एक्स क्यूब माइनस के टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस के फाइव ये हो गया हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर से पहले पद को इससे पहले से भाग दे देंगे क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर यानी कि तीन कन तीन थ्री एक्स की पावर फोर यहाँ से तीन से तीन कटेगा माइनस के पाँच एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कटा सिक्स एक्स क्यूब हमने एजिटीज उतारा पाँच में दो गया तीन एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के टेन एक्स सॉरी माइनस फाइव अब एक्स स्क्वायर से सिक्स एक्स क्यूब को डिवाइड करते हैं कितना बचेगा प्लस के सिक्स एक्स खाली क्योंकि जब इसे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा सिक्स एक्स क्यूब तीन दूनी दो कट जाएगा यानी कि दो पंजे दस एक्स आ जाएगा माइनस के यह आ गया ये माइनस ये प्लस कटा थ्री एक्स स्क्वायर ये भी कट गया माइनस पाँच फिर इसे भाग देंगे हम इसको प्लस के तीन बचेंगे थ्री एक्स स्क्वायर तीन से तीन कटा ये बच गया पांच घटाने पर ये माइनस ये प्लस कट गया शेषफल जीरो अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन आई है यह वाली थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के सिक्स एक्स माइनस के प्लस के थ्री इसके हम शून्य के निकाल लेंगे तीन से डिवाइड हो रहा है तो एक्स उसके प्लस के तीन गुण छः एक्स प्लस के तीन कम तीन बराबर जो पूरी कोई जो जो भागफल है आया इसको तीन से डिवाइड किया इसी के शून्य के निकालेंगे अन्य शून्य ज्ञात हो जाएंगे एक ही कन एक यानी कि एक एक हो जाएगा वन एक्स प्लस वन एक्स इसको दो को तोड़ लिया वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन आया कैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें अब यहाँ पर देखते हैं एक्स कॉमन है दोनों में एक्स प्लस वन प्लस ये दोनों में प्लस वन एक्स प्लस वन बराबर जीरो एक्स प्लस वन एज इट इज फिर एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो एक बार एक्स प्लस वन बराबर जीरो रखा तो एक्स बराबर क्या आ गया माइनस एक ऐसे ही एक्स प्लस वन बराबर जीरो का जीरो रखा तो एक्स बराबर क्या आ गया माइनस एक तो दो शून्य जो है इसके एक्स बराबर माइनस एक एक्स बराबर माइनस एक दो शून्य थे इसके अंडर रोड पाँच बटे तीन और एक्स माइनस रोड पाँच बटे तीन इसका निकाल लिया था यानी कि एक रूट बट आ, अंडर रूट पाँच बटे तीन था एक था माइनस के रूट पाँच बटे तीन ये क्वेश्चन होगा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ दिया है यदि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स उसका प्लस एक्स प्लस दो को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भाग और शेषफल क्रम से क्या है ये है एक्स माइनस दो और माइनस के दो एक्स प्लस फोर है तो जी एक्स ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के करने के लिए हम करते हैं अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन है पी क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स प्लस दो जी एक्स से इसे भाग देने पर भागफल एक्स माइनस दो और शेष क्या आता है माइनस के दो एक्स प्लस फोर आता है ठीक है अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन हम पता ही होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भाग फल, जमा शेष फल ये है हम क्या करेंगे भाज्य का मतलब है यहाँ पी एक्स जो भी वैल्यू दी है भाजक है जी एक्स भागफल हमारे पास है एक्स माइनस दो और शेष फल है माइनस के दो एक्स प्लस के फोर पी एक्स की जगह हम क्या रखते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स उसके प्लस एक्स प्लस दो बराबर जी एक्स एज इट इज इन टू एक्स माइनस दो क्या आ जाएगा ये माइनस प्लस माइनस टू एक्स प्लस फोर अब हम क्या करेंगे जो माइनस है इधर प्लस और जो प्लस है इधर आकर माइनस एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस प्लस एक्स दो ये इधर आएगा प्लस के दो एक्स माइनस के फोर बराबर जी एक्स इन एक्स माइनस टू ये हो गया ये क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं ये वन एक्स है ये टू एक्स है और ये फोर है और ये टू है यानी कि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्सट इज वन और टू प्लस के थ्री एक्स फिर क्या हुआ फोर ये रहा प्लस का टू ये रहा ये हो जाएगा माइनस के टू बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस टू ये पूरा इसके साथ मल्टीपिकेशन में ये जाएगा डिवाइड में यानी कि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस के टू अपॉन एक्स माइनस टू अब इससे इसको डिवाइड करते हैं एक्स माइनस टू से अलग से ही एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस के थ्री एक्स माइनस के टू एक्स एक पावर इसकी दो है तो यहाँ पर कितना बच जाएगा पहले से डिवाइड करेंगे एक्स पावर टू इससे इसमें मल्टीप्लिकेशन किया एक्स क्यूब अब आगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो की एक्स स्क्वायर में तो माइनस के दो एक्स स्क्वायर यह आ जाएगा घटाने पर यह माइनस या प्लस कटा तीन मंच दो गया एक एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस के थ्री एक्स माइनस के टू फिर इसे डिवाइड करेंगे माइनस का वन माइनस का एक एक्स एक एक्स स्क्वायर सॉरी इससे जब इसे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आए एक्स आएगा खाली एक्स के एक्स में मल्टीप्लिकेशन किया माइनस है माइनस प्लस माइनस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस के दो एक्स ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा जो प्लस है वो माइनस कटा तीन में दो गया एक एक्स माइनस के दो अब एक्स से एक्स को डिवाइड करेंगे प्लस का वन वन से मल्टीप्लिकेशन एक्स माइनस टू एज इट इज घटाने पर ये माइनस ये प्लस कटा जीरो तो इसका आंसर जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन यानी कि ये है जी एक्स से भाग देने पर सेस पर भाग पर लेता शेष पर लेता तो जी एक्स फाइंड करना था तो जी एक्स कितना आ गया एक्स एक्सक्वायर माइनस एक्स प्लस वन इससे डिवाइड करके एक्स माइनस टू से इसको तो आपकी एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री फिनिश हो गई नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे कौन सी एक्सरसाइज चाहिए थ्री पॉइंट वन चलेगी धन्यवाद